नमस्कार दोस्तों, स्वामी जी चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आना सागर चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है बारिश के पानी में। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अजमेर की खूबसूरत आना सागर चौपाटी पूरी की पूरी डूब चुकी है और अब ये पानी खाली होने का नाम नहीं ले रहा। पहले जब भी बरसात आती थी पानी भरता था तो पानी खाली होता था, लेकिन अभी की आप वर्तमान स्थिति देखिए। चलो गाड़ी आ रही है, चलो बेटा चलो उधर चलो चलो जाओ। डूब चुकी है आना सागर चौपाटी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से। ये लाइव तस्वीरें जो हैं स्वामी न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और चौपाटी की जो स्थितियां हैं, लोग अपनी मर्जी से यहां पर गाड़ी लेकर अलग अलग दिशाओं में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने आप ही खुद जाम खुलवा रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये शंकर भगवान का मंदिर है और यहां पर हर साल की भांति इस साल भी जो है जो यात्री आते जाते हैं रामदेवरा, उनके लिए चाय पानी खाना नाश्ता उन सब की व्यवस्थाएं की जाती है, तो सभी को गाड़ी रोककर व्यवस्थाएं की जाती है। तो ये वही आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति हो रखी है वो आपके सामने है। बहुत ज्यादा जो पानी है वो भरा हुआ है और चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है। जो वो जो जगह है जहां पर चौपाटी पर घूमने वाला जो रैंप बनाया हुआ है पूरी डूबी हुई है। कुछ लोग वहां पर अपनी फोटो या सेल्फी खिंचवाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारी बारिश के चलते ये जो अस्त व्यस्त की स्थिति बन चुकी है अजमेर की आप लोगों के सामने है। आज नगर निगम के द्वारा बड़ी झांकियां सज रही है रीजनल कॉलेज वाली चौपाटी पर, तो वहां पर आप जब भी जाएं तो ध्यान रखकर जाएं, क्योंकि चौपाटी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डूब चुकी है। लोगों की दो पहिया वाहन जो इस तरफ से आ रहे हैं वो 100% खराब होते होते आ रहे हैं, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इस जगह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गलियों में से यहां पर पैदल पैदल पहुंचना पड़ा है। अजमेर की सुंदरता को निखारती है खूबसूरत आना सागर चौपाटी पूरी तरीके से डूब चुकी है। आप देखिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। आना सागर चौपाटी की स्थिति आपके सामने है। पानी जो है उसका लेवल बिल्कुल सड़क और आना सागर बिल्कुल एक हो गए हैं। आना सागर की जो पानी की भराव क्षमता जो थी उससे भी ज्यादा ओवरलोड हो चुका है हमारा अजमेर का आना सागर। प्रसिद्ध आना सागर झील है जो पूरी तरीके से पानी से लबालब है। और ऐसा नहीं है कि इस तरफ आप डिवाइडर के इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। खासी तादाद में यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मौसम जिस हिसाब से बन रहा है, काले बादल जो आसमान में छाए हुए हैं, अगर तेज़ बारिश आई
तो क्या होगा हमारे अजमेर का। चलिए स्वामी जी चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।